सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी बॉय सीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो डाला था हॉनर प्ले के 9.0 के अपडेट के रिव्यू के बारे में। उसके बाद से मेरे पास काफी कमेंट आया। कुछ लोग कह रहे थे कि पबजी में वो लैग कह रहे हैं कि मतलब पबजी में उन्हें लैगिंग इशू आ रही है, कि वो गेम खेलना है अगर HDR और अल्ट्रा HDR फ्रेम रेट के साथ उन्हें लैगिंग आ रही है, कि वो गेम स्मूथ चल नहीं रहा है। और उसके बाद से कुछ लोग कह रहे हैं कि बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, आप उसके बारे में बताइए। क्योंकि तो मैंने सोचा कि क्यों ना, दो तीन दिन हो गए अपडेट किए हुए, तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूं कि पबजी में आपको लैगिंग इशू आ रही है या और बैटरी कैसी है, मतलब पहले के ओरियो के मुकाबले। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूं पबजी और गेमिंग और हीटिंग इशू के बारे में, जो कि होने वाला है ऑनर प्ले के बारे में। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सीट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं दिखा दूं कि जब हमने पबजी खेलने से पहले, मैं आपको दिखा देता हूं बैटरी परफॉर्मेंस। यहां पे है 45% बैटरी, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो 45% बैटरी है। और उसके बाद से हम पबजी खेलेंगे HDR और अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे। तो उसके बाद से आपको दिखाएंगे कि इसका जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है कैसा है पहले के मुकाबले। तो हम स्टार्ट करते हैं पबजी, उसके बाद से आपको दिखाते हैं इसका पबजी यहाँ पे हीटिंग इशू अगर हो रही है तो वो भी आपको बताएंगे, 40 कैसे काम कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो गेम स्टार्ट होने से पहले हम दिखा देते हैं आपको ग्राफिक सेटिंग, जो कि मेरा ग्राफिक डिफॉल्ट पे बैलेंस और हाई पे है। तो हम इस सेटिंग को करेंगे चेंज, हम रखेंगे ग्राफिक्स पे HDR और फ्रेम रेट को रखेंगे अल्ट्रा पे। उसके बाद इस नए सेटिंग को करेंगे सेव और इस सेटिंग पे हम खेल के दिखाएंगे आपको सोलो पबजी गेम। और आपके जो मतलब कमेंट थे या जो आपके डाउट थे कि मतलब इस सेटिंग पे जो हम पहले खेलते थे ओरियो पे, तो हमें लैग इशू आता था पबजी में, तो हम इस सेटिंग पे गेम को खेलेंगे। उसके बाद से आपको रिव्यू देंगे गेम को खेलने के बाद से कि इस सेटिंग पे कोई लैगिंग इशू आ रही है या नहीं 9.0 पाई अपडेट में, और वो भी पबजी में। ओके, तो हमने पबजी खेला 16.7 यानी लगभग 17 मिनट के लगभग हमने पबजी खेला। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि 45% पे बैटरी हमने स्टार्ट किया था पबजी खेलना। तो चूंकि मैं पूरा सर्वाइवल नहीं कर पाया, मैं उतना पबजी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, वैसे मैं आपको बस ग्राफिक्स का दिखा रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हो 35% यानी लगभग 17 मिनट खेलने के बाद से यहाँ पे 10% बैटरी ड्रेन हुई है। और वो भी हमने खेला था HDR और पे आपका अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ। तो इसमें तो सबसे पहली बात यह है कि जिसमें आप HDR और अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ खेल रहे हो, तो थोड़ी बैटरी कंजप्शन नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा होनी है। लेकिन ओरियो के मुकाबले बात करें तो थोड़ी सी बैटरी ड्रेनिंग इसमें ज़्यादा हो रही है गेमिंग में, लेकिन हीटिंग इशू की बात करें तो कोई हीटिंग इशू नहीं आ रही है और 40 काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो पबजी में अगर आपको ये लेके कन्फ्यूजन है कि इसमें HDR पे लैग हो रहा है या मतलब अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ खेलने पे लैग हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस रही है और काफ़ी अच्छा एकदम स्मूथ गेम चला है, 40 भी अच्छे से वर्क कर रहा था। तो पबजी का जो ये आपका क्वेश्चन था ये तो हो गया सॉल्व। अब हम आपको दिखाते हैं कैमरे में इंप्रूवमेंट के बारे में। जो लोग कैमरे से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कैमरे में कैसा मतलब परफॉर्मेंस हुआ है, पहले से इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी भी हम बात यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो ये फोटो हमने कैप्चर किया है नॉर्मल मोड में, जैसा कि आप देख सकते हो ग्रीन कलर की जो पत्ती है इसका कलर और ये सेचुरेशन मुझे काफ़ी एकदम नॉर्मल लगा। इसमें मुझे क्या पहले से कुछ हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट दिखी है। और इसमें कहें तो मतलब जैसा कि आप देख सकते हो जो पत्तियां हैं उनका जो ओरिजिनल कलर है वैसा ही इसमें क्लिक करने के बाद से भी आप देख सकते हो एकदम सेम कलर है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और उसके बाद से जो फोकस है जो ऑटोमेटिक जो नॉर्मल फोटो पे ब्लर होता है पीछे का हिस्सा, वो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर हुआ है। और उसके बाद से आपको नेक्स्ट फोटो ये आपको दिखा देते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हो ये वाली फ़ोटो,
तो ये वाली फोटो हमने कैप्चर की है नॉर्मल फोटो नॉर्मल मोड में एआई डिटेक्शन के साथ। तो इसमें जो कलर आप देख सकते हो, जो कि ओरिजिनल जो मैंने ये जो फूल था उसका जो फोटो कलर था उसका ओरिजिनल कलर, और एआई ने एआई में आपको पता ही कुछ कलर अपनी तरफ से इम्प्रूव यहाँ पे होते हैं, कुछ कलर ऐड होते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हो पहले के मुकाबले उतना ज़्यादा, मतलब जैसे पहले क्या होता था कि कुछ ज़्यादा ही कलर यहाँ पे ऐड हो जाते थे एआई में, लेकिन वो काफ़ी फोटो को मतलब डल कर देते थे, उतने अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन ये जो मैंने फोटो कैप्चर की है इसमें एआई काफ़ी पहले से इम्प्रूव हुआ है और जो फोटो का ओरिजिनल कलर है उससे ज़्यादा वो चेंज नहीं कर रहा है, यानी पहले जैसे ओरिजिनल फोटो का कलर है वैसे ही फोटो को रख रहा है, मतलब उसमें कलर जो नॉर्मल है उनमें हल्की सी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी और काफ़ी ये फोटो बढ़िया लग रहा है क्योंकि इसमें हल्का सा कलर सेचुरेशन ज़्यादा है और कलर एक्यूरेसी एकदम करेक्ट है, तो इसलिए फोटो काफ़ी बढ़िया दिख रही है। और उसके बाद से हम इसी फोटो का आपको नॉर्मल वर्जन दिखा देते हैं जो बिना एआई के डिटेक्शन के साथ कैप्चर किया गया है, तो उसमें आप देख सकते हो इसमें और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा कलर। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है नॉर्मल फोटो, तो आपको ऐसे ही फर्क दिख रहा होगा कि क्योंकि जो मैंने पहले फोटो दिखाई थी एआई डिटेक्शन के साथ उसमें काफ़ी कलर बढ़िया आ रहा था, और मतलब क्योंकि एआई अपनी तरफ से कलर कुछ ऐड होता है, लेकिन ये है नॉर्मल फोटो बिना एआई मतलब इनेबल किए हुए हमने ये फोटो को कैप्चर किया था। तो इसमें आप देख सकते हो जो मेन ऑब्जेक्ट है यानी जो फूल है उसका कलर तो आपको लगभग सिमिलर ही दिखेगा, लेकिन जो बैकग्राउंड यानी जो पीछे की पत्तियां और अदर जो ऑब्जेक्ट हैं उनका कलर आपको काफ़ी पहले एआई वाले फोटो और इस फोटो में आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर दिख सकता है। तो बात करें एआई के साथ खींचे गए फोटो की तो काफ़ी इंप्रूव है उसमें भी, और नॉर्मल फोटो भी अपनी तरफ से जितना मतलब पहले देता था उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है इस पिक्चर में। और ये जो लास्ट फोटो है हमने कैप्चर किया है फ्रंट कैम से एआर लेंस के साथ, क्योंकि इसमें मैं दिखा देता हूँ कि एआर लेंस जो कि ऐड हुआ है और आपका पाई अपडेट में, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से चेहरे पर फिट हो जा रहा है। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, आप अपने हिसाब से आप अगर आप इसे पसंद करते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से एआर लेंस भी वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रंट कैम का कैम के साथ एआर लेंस अच्छे से फिट हो जा रहा है चेहरे पे। तो ये था जैसे कि आपने देखा कैमरे और पबजी का रिव्यू। जैसे कि मुझे कैमरे में पर्सनली बोलूँ तो मुझे फोटो पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर आ रहे हैं और पबजी में कोई लैगिंग इशू नहीं आ रही है। तो अगर अभी भी आपने अपडेट नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो आप इस अपडेट को कर लो, क्योंकि ये अपडेट है स्टेबल और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस मतलब आप नहीं करोगे, चाहे कैमरे से रिलेटेड हो चाहे गेमिंग से रिलेटेड हो या हीटिंग इशू, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये था रिव्यू पबजी। देखा कि आपने पबजी काफी स्मूथ चल रहा है एचडीआर और अल्ट्रा एचडीआर फ्रेम रेट के साथ, और बैटरी पहले के मुकाबले हल्की सी ड्रेन हो रही है क्योंकि अब थोड़ा पाई है तो इसमें एनिमेशन और आपको कुछ ज्यादा इफेक्ट मिल जाना है, इसलिए बैटरी थोड़ी सी ओरियो के मुकाबले जल्दी ज्यादा ड्रेन हो रही है। और उसके बाद से यहाँ पे कैमरे में काफी इंप्रूवमेंट आपको मिल रहा है, 4D शॉक भी अच्छे से वर्क कर रहा है और जितने भी इंप्रूवमेंट हुए हैं काफी अच्छे हुए हैं। तो ये अपडेट काफी स्टेबल है, अगर आप अभी तक अपडेट नहीं किए और ये सब रिव्यू देखने के बाद से आप अपडेट करना चाहते हो तो आप अभी अपडेट कर लो, क्योंकि ये अपडेट है स्टेबल, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो आई होप वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, वीडियो ज्यादा पसंद आए तो अपने होनर के यूजर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सी यू सून।